हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जिन बच्चों को अंग्रेज़ी की किताब या अंग्रेज़ी की बुक पढ़नी नहीं आती, ये वीडियो उन प्यारे बच्चों के लिए है, ताकि वो अंग्रेज़ी की बुक या किताब पढ़ना सीख जाएं। चलो शुरू करते हैं। इट वॉज ए, इसको ए भी बोल सकते हैं और आ भी बोल सकते हैं। इट वॉज ए हॉट डे, इट वॉज ए हॉट डे। ए लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, इसको क्या बोलेंगे? थर्स्टी, थर्स्टी यानी कि प्यासा। इट वॉज ए हॉट डे, ए लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस, सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर, एंड फेल इनटू द वाटर। सी क्राइड, सी क्राइड, हेल्प हेल्प। ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री, ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री। ही हर्ड द आंट्स क्राई, ही हर्ड द आंट्स क्राई। द डव ड्रॉप्ड, क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर, द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। द आंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ, द आंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ। द लीफ फ्लोटेड, द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। इन दिस वे द आंट वॉज सेव्ड, फिर से बताते हैं एक बार। इट वॉज ए हॉट डे, ए लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। सी क्राइड हेल्प हेल्प। ए डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री, ही हर्ड द आंट्स क्राई, ही हर्ड द आंट्स क्राई। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ, द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। द आंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ, द आंट climbed onto the leaf. The leaf floated to the river bank. The leaf floated to the river bank. In this way, the ant was saved. After some time, the ant saw a hunter. After some time, the ant saw a hunter. He had pointed his arrow, he had pointed his arrow at the dove, at the dove. He wanted to kill him, he wanted to kill him. The ant crawled up the hunter's foot, the ant crawled up the hunter's foot and him. Ouch! Cried the hunter, cried the hunter. Ouch! Kya bola? Ouch! Cried the hunter and his arrow dropped, and his arrow dropped. The dove was saved, the dove was saved.
The ant and the dove helped each other. The ant and the dove helped each other like good friends. Like good friends. बच्चों, मैं आपको हर रोज एक नया लेसन पढ़ाऊंगा, एक नया लेसन अंग्रेजी की किताब का पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाए. ओके बच्चों, थैंक यू.